अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत लेट लेट मुलाकात हो रही है आप सभी से, क्योंकि ऑर्डर ही इस बार कैसा है कि बहुत डिले हो के आ रहे हैं। मतलब कभी कुछ ऑर्डर कुछ कारण से कंफर्म होते होते रह जा रहे हैं, तो कभी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से चल रहा है। और जैसे ही ऑर्डर आया तो भाई सबसे पहले मौका मिल जाता है हमें वीडियो रिकॉर्ड करने का और आप सभी के साथ शेयर करने का। और बस आप सभी मतलब पसंद करेंगे, देखेंगे, तभी वीडियो शेयर करने का मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदा है और मज़ा है कुछ कि, ताकि आप लोग कुछ सीखे, कुछ समझे बेकिंग का, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बस आप लोगों के लिए ही हम वीडियो शेयर करते हैं। तो बस आप लोग ही नहीं देखेंगे तो हम वीडियो क्यों अपलोड करेंगे, मतलब कोई रीज़न ही नहीं रहेगा ना अपलोड करने का। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिना स्किप करे देखे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। और इसे ना लाइक भी करे, और न्यू अगर आप है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बने रहे, बस हमेशा वीडियो देखते रहे, ऑल बेल के साथ करे। ऑल बेल के साथ करने से क्या होगा कि आपको मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर बर्थडे केक का ऑर्डर आया था मुझे 1 kg का, बट मैंने ना 1.5 kg बनाया, और मैंने कितना पैसा ली हूँ ये भी बताने वाली हूँ। और मेरा एग लेस बेकिंग है, और यहाँ पर जो है ना स्टार नूडल से मैं सारा ही केक का डिज़ाइन कवर करूँगी, तो बने रहना आप सभी। और लेयरिंग मैंने इसकी लगा ली थी, क्रम कोटिंग होने के बाद मेरा केक फ्रिज से बाहर आ गया आफ्टर 20 मिनट, और ये करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए लाइट चली गई थी, अभी लाइट भी आ गई है। तो इस तरह से हम जो है ना होम बेकर बहुत ही दिक्कतों से, बहुत ही से अपने काम को बहुत शिद्दत से करती है, क्योंकि ना हम अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहते और हमें अपना घर भी देखना है। और होता है ना जिस चीज़ से लगाओ अगर इंसान को हो जाए ना तो वो उसका आदी हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऑर्डर आया ना तो बड़ी खुशी हो जाती है, काफ़ी दिनों पर भी आया तो, कि नहीं अब हमें ना केक बनाना है, अपनी मतलब क्रिएटिविटी करना है, कुछ बताना है अच्छा लोगों को। तो बस इस तरह से मैं ये देखिए क्रम कोटिंग के ऊपर जो ना येलो कलर की क्रीम है, क्योंकि ये ना पाइनएप्पल फ्लेवर का केक मैंने बनाई थी, पाइनएप्पल फ्लेवर का ही उन्होंने ऑर्डर दिया था मुझे, तो वही क्रीम मैंने ऊपर में इसकी जो है क्रम कोटिंग में लगा दी थी बची थी। तो फिर उसके बाद मैंने पर्पल कलर लगाई हूँ यहाँ पर, मतलब क्रीम में पर्पल कलर मिक्स करके स्टार नोजल से ही इस तरह से सारे ही केक को ना हम कवर कर लेंगे। और जब भी मतलब ऐसा कुछ डिज़ाइन हमें ऊपर से बनाना है तो अंदर की लेयर को एक्स्ट्रा क्रीम ना लगाएं, क्योंकि इसी से ही वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाता है, मतलब इतना क्रीम सफिशिएंट होता है केक में। और उनको 2 tier चाहिए था केक, और मेरे पास छोटा, बिल्कुल छोटा सा इसका टिन भी नहीं है, तो मैंने अपने तरफ से थोड़ा और बढ़ा दी। वैसे नेबर ही है हमारे कॉलोनी के, उनकी बच्ची का बर्थडे था, और बच्चे की मतलब उसके बर्थडे की क्लिप जो है मैं भी गई थी वहाँ, हमें भी इन्वाइट किया गया था, तो वो भी मैंने ऐड कर दी हूँ, उसे भी आप देख लेना। और अगर इंस्टाग्राम पे आपने नहीं देखा है मेरी आईडी तो इंस्टाग्राम पे वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लगाई हुई स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ के हेल्प से नहीं उठता है केक, ये ध्यान रखें ये बात का। आप नीचे से आपको नाइफ लगाना पड़ेगा, वरना आपका जो केक है ना पूरी लेयर इसके अलग हो जाएंगी। तो मैंने ऐसे स्टिक लगाने के बाद पैलेट नाइफ से इसे उठाया है, और फर्स्ट टाइम हुआ क्या है कि मेरा जो है ना लेयर टेढ़ी या तिरछी नहीं हुई है। नहीं तो ना क्या होता है कि ज़्यादा ओवरवेट होने से ना समटाइम तिरछी हो जाती है। मैंने इसके पहले रसमलाई केक का बनाई थी ना, रसमलाई केक बनाई थी तो उसकी लेयर तिरछी हो गई थी, देखिए यहाँ तिरछी लग रही है, तो मैंने यहीं पर ही इसे सही किया है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। क्योंकि अभी जो मतलब फाइनल डिज़ाइनिंग के पहले ही अगर केक सही ही हो जाती है टॉप लेयर, जैसे आप टीयर में बना रहे हो 2 tier 3 tier अक्सर होते ही रहती है मिस्टेक, तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, नॉलेज भी देती हूँ अपने वीडियो में, साथों साथ कुछ टिप्स भी देती हूँ जो मैं अपने काम से मतलब सीखती हूँ, जो तजुर्बा लेती हूँ वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए ना उसमें क्या हुआ था कि रसमलाई की उसमें फीलिंग थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका वेट अप हो गया था। और दूसरी बात मतलब ज़्यादा ओवर वेट होने से कभी कभी क्या होता है कि जो टीयर हमारी हिल जाती है, मैंने उसमें जबकि डॉवेल ऐड किया था, अभी तो मैंने खैर इसमें स्ट्रॉ ही लगाया है जैसे कि आपने देखा है। और ऊपर की जो लेयर है हमारी, यहाँ पर ये जो केक रखा है मैंने दूसरा सेकेंड वाला, तो यहाँ पर मैं स्टार नोजल से ही रोज सेट बना रही हूँ। और मैंने इसे हल्का सा नीचे का, देखिए आपको डार्क पर्पल दिख रहा होगा, इसे हल्का सा पिंक कलर दिया है, और बस इस तरह से 2 layer अपने आप ही हमारा टर्न टेबल जो है ना हिल रहा है, यानी अपने आप ही रोटेट हो रहा है, देखिए। फिर मैंने इसे पकड़ के लेकर आया कि फिर से नहीं भाई डिज़ाइन बनाना है, रुको अभी भागो मत। तो बस इस तरह से ये देखिए ये
ये सारे ही हम ना रोस्टेड बना लेंगे और क्रीम को बीट करके अच्छी तरह से रख दी। और ना अर्जेंट ऑर्डर था ये, अर्जेंट ऑर्डर में मुझे फिर भी और गर्मी में क्रीम मेल्ट हो रही है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, क्रीम जब भी आप बीट करें बस उसे तुरंत फट से फ्रीज में रख दीजिए, बाहर रखे ना। कोन में भी लेना है तो तुरंत ले लीजिए, कोन मीन्स पैपिंग बैग, तो आप तुरंत ही फ्रीज में रख दीजिए तो आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। और जो भी आप केक का काम कर रहे हैं उसे भी जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अगर आपके किचन में एसी नहीं है, मेरी तरह फ़ैन में काम कर रहे हो, तो बिल्कुल भी आप ना ज़्यादा देर तक के टाइम ना ले, बाहर केक को ना रखें, वरना क्रीम मेल्ट होकर ना पूरा आइसक्रीम बन जाएगा हमारा केक। तो ये बात का अपना ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपके इधर कैसी पड़ रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो भी बताएं, नहीं अच्छी लगती है तो भी बताएं, कुछ कमी मिस्टेक अगर मेरे से हो रही होंगी तो भी बताएं। तो ये ना मैंने उनको 1.5 केजी का केक बना के दिया, और इसका प्राइस मैंने सिर्फ 600 लिया उनसे। वैसे तो मुझे मतलब सबका कहना कि यानी वो हमारे को थोड़े करीब के थे, 500 लेना था, बट मैंने कहा नहीं, जो मटेरियल गया आई थिंक उसका तो भी निकल जाए, तो मैंने ना इस केक का सिर्फ उनसे 600 ही लिया, और वैसे तो 700 लेना था, बट कोई बात नहीं। तो ये देखिए खाली जो जगह है, जो गैप है ना, वहाँ पर इस तरह से मैंने लगा दी क्रीम। और कैसे है कि आपके एरिया और जैसा मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो टाउन सिटी जो है ना, उसके हिसाब से भी रेट मायने रखता है। तो ये देखिए फाइनल लुक डिज़ाइन हमारे केक का, और ऊपर पे मैंने ना हैप्पी बर्थडे लिख दिया है, इसमें गोल्डन बॉल्स लगा दिया है, बच्ची का नाम लिख दिया है इस तरह से, और हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया है। तो लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत केक, और माशाल्लाह से सबको टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं भी बर्थडे पार्टी में थी, सभी ने खाए, सभी ने तारीफ़ें करे, डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया केक का, लुक वाइज कलर वाइज सब कुछ। तो ऐसा ही कुछ सुनो और अर्जेंट केक मैंने बनाई थी, और मतलब तो दिल को भी खुशी होती है कि नहीं हमारे काम को सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो खुशी होती है। तो बस ये रील्स के लिए चल रही है, वीडियो शूट वगैरह इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, अगर आप वहाँ पर फॉलो करना चाहते तो कर लीजिए, शुगर केक फॉर एवर। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, और यहाँ पर बर्थडे गर्ल जो है ना उसकी भी सेलिब्रेशन की वीडियो थोड़ी सी क्लिप मैंने ली थी, वो भी मैं आगे आपको मिल जाएंगी नहीं, आने ही वाली है। बस ये देखिए ये रही बच्ची, और इसका बर्थडे था, और ये भी काफ़ी हैप्पी हो गई, वाह आंटी बहुत खूबसूरत बना केक ऐसा करके, यानी सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे। तो बस बच्चों का बर्थडे रहा ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, मेरा ये मानना, चाहे मेरे बच्चे रहे या किसी के भी रहे, तो मतलब उनका सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना चाहिए, बस मेरा ये मानना है। अगर आप अपने घर में हो, एक होम मेकर हो और आप केक बनाते हो और बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छा आर्टिस्ट हो, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना बहुत मायने रखता है। तो बस मेरा यही काम है, मतलब मेरा कस्टमर खुश होना चाहिए, बच्चे खुश होना चाहिए जहाँ केक जा रहा है। तो बस ये देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन की कुछ वीडियो है, केक कट गया है और यहाँ पर सबको खिलाया जा रहा है केक। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप सभी को ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर है।